अस्सलाम वालेकुम। आपने थंबनेल देख लिया होगा कि हम एक फ़ोटो के कलर लेकर दूसरी फ़ोटो पर अप्लाई करेंगे। तो इस चीज़ की ट्रेंडिंग करने के लिए बने रही हमारे इस वीडियो के साथ। अब हम फोटोशॉप ओपन करते हैं। फोटोशॉप हमारे पास ये इमेज है, हम इस पर कलर अप्लाई करेंगे इस इमेज के। तो आपको स्टेप वन पर करना क्या होगा, स्टेप वन पर आपको सिंपली यहाँ से आप इसे अप्लाई कीजिए और यहाँ पर फाइल में जाएं। फाइल पर जाने के बाद यहाँ पर एक्सपोजर एंड सेव फॉर वेब यहाँ पर करें तो थोड़ा सा टाइम लगा। मैंने पीएनजी शो कर कर रखा है। मैं यहाँ पर जी एफ करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कलर आ सकते हैं, जिसके टोटल कलर हमारे पास 256 कलर होते हैं, जिससे ये फोटो कम्प्लीटली क्रिएट हो चुकी होती है। तो हम इसे 3 कलर सेलेक्ट करेंगे। आपको 3 कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आना है, यहाँ पर ऑन करना सेव कलर टेबल। अब आपको डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर मैंने ये पिक्सेल परफेक्ट के नाम पर मैंने ये कलर सेव किया और सेव यस ओके इसे कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर इस पिक को हम सेट कर देते हैं ओके। अब आपको सिंपली करना क्या है, विंडो पर जाना है और यहाँ पर करना है स्वैचेस। आपके सामने इस तरह शो हो गया होगा, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ पहले ओके। आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद बोर्ड स्विच डॉक्यूमेंट्स एंड आपको यहाँ पर अपने कलर रखे हुए आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ा। यहाँ पर करना है कलर टेबल और ये देखिए आपके पास आगे इसे कर दें लोड। तो नीचे जाए तो ये देखिए हमारे पास विजन प्रकार की फाइल बनी हुई आ गया। तो हम इस पर करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर कलर आ चुके हैं। कलर आने के बाद आपको रेडियम मैप पर जाना है। रेडियम मैप पर जाने के बाद आपको सिंपली इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर आप ये वाइट कलर जो पहले आप यहाँ पर सिंबल सेलेक्ट कर लें। कैंसिल सिंबल सेलेक्ट किया, ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसे क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम ये वाले जो लाइट है इसकी तो ये कलर लेते हैं। ये कलर लेने के बाद इसको हम देखते हैं जो भी ब्रांड बी यहाँ पर है तो बी हमारे पास 92 है तो ओके। और यहाँ पर हमें 92 अप्लाई करना है एंड और उसके बाद इस कलर को ले यहाँ पर अप्लाई कीजिए और यहाँ पर आपको डार्क जो कलर होता है सबसे वो लेना ओके। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये भी आ रहा है 20, ये आप देख सकते हैं। इसे ओके करें और यहाँ पर आपको 20 अप्लाई कर दें। अब आपको इसके बीच एक कलर लेना होगा यहाँ पर लेने के बाद आपने ये जो ग्रे सा आपने कलर छोड़ा है उसे अप्लाई कीजिए और यहाँ पर आपको ये भी नजर आया 66, इसे ओके करें और यहाँ पर 66 अप्लाई कर दें एंड इसको करें ओके। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको कर दें सॉफ्ट लाइट एंड बिफोर आफ्टर। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा ये मैंने कहा था हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा ये क्वालिटी थोड़ा सा कम कर देते हैं, यानी 16 कर देते हैं काफ़ी। और आगे स्टेप हमारा ये है, ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 आपने क्या करना है, ये हमारा इस फोटो पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक लेयर ले लेंगे। लेयर लेने के बाद जो ये पेन इसका नाम क्या होता है, इसे आप कलर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपने कॉरेंट एंड ब्लू सेलेक्ट करना है और इसे 3x3 ओके। तो आपने सेलेक्ट कर लेना और अल्ट के साथ अपना अल्ट
प्रेस करेंगे तो आपके पास ये पेन टूल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ब्लैक एरिया सिलेक्ट करना है। जी यहाँ पर मैंने ब्लैक एरिया सिलेक्ट कर लिया, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर हम ब्लैक एरिया अप्लाई कर देते हैं। हमने ब्लैक एरिया भी ले लिया, अब हमने वाइट एरिया लेना है। वाइट एरिया लेने के बाद ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये वाइट एरिया शोर है। अगर आप यहाँ से शॉर्ट कलर में लेना चाहें तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड को जो फाइल से सिलेक्ट करें, सिलेक्ट कर दें कलर रेंज पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट करना है हाइलाइट्स और इसे सिफर कर दें ओके। यह हमारी तो यहाँ पर ग्रेडिएंट मैप की जो फाइल से सिलेक्ट करने के बाद कर देंगे और ये इसे और इसे भी ये लगा दें। अब आपको सिंपली करना है पूरा अपने वाइट टूल लेना है, वाइट टूल पर डबल क्लिक करेंगे ओके। आप सिंबल सिलेक्ट करें, सिंबल सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करें तो आपके पास इस तरह का शो होगा। तो अप्लाई करें तो आपको यहाँ पर ऑल लेयर लाजमी कर देना है। अब आकर जब आप कर्स पर ये पॉइंट शो करेंगे तो ऑल लेयर एंड ये एंड ओके इसे नो कर दें ताकि आपकी सेटिंग सेव ना हो। तो जूम करें तो यहाँ पर ये थोड़ी सी लाइट दे रहा है, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्लिक ओके। अब हमें ब्लैक एरिया जो भी है वो सिलेक्ट करना है, ब्लैक पेन टूल और ये ब्लैक इस ओके नो सेव कर देते हैं। अब थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ पर ब्लैक एरिया नज़र आ रहा तो आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना ओके। अब आप सिफर करें तो फिर यहाँ पर आप ग्रे पॉइंट टूल लें तो यहाँ पर इसे सिलेक्ट करें ओके एंड नो। तो सामने देखें यहाँ पर आपको एक कलर्स ग्रे कलर यहाँ पर है तो इसे यहाँ पर अप्लाई कर दें। तो अब आप देखें इसको हम डिलीट कर देते हैं, तो इसको फिर से एक्सप्लोर कम कर देते हैं यहाँ पर। जैसे आप 100 रहने दें तो अब आप इसको सिलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद मीडियम तो इसको 50 यहाँ ठीक है ओके। तो अब इसमें थोड़ा सा डिफॉल्ट है तो हम यहाँ पर सिर्फ बैकग्राउंड पर लेयर पर क्लिक करेंगे तो कलर लुकअप सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसे ये वो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस फोटो का कलर ये देखो, एक मिनट
कलर लुकअप पर आपको जहाँ ये फोटो ज़बरदस्त लगे वहाँ पर आप रुक सकते हैं। मुझे तो ये लगी थी ट्रॉप 3D। एंड अब हम पहले शेयर करते हैं और इसे शेडो भी कर सकते हैं, तो कलर थोड़ी सी वो अब हमें थोड़ा सा डिफॉल्ट नज़र आ रहा, ताकि ये हमें दिख रहा है कि इसमें ये कलर अप्लाई हो चुका है। तो आप इस तरह अपने फोटो के कलर एक फोटो के कलर दूसरी फोटो में अप्लाई कर सकते हैं। हमारे और इसमें हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।